दोस्तों, मैं सम्राट सर और सुपर 30 से बोल रहे हैं, और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आपके पास जो लिया गया, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक दृष्टि से देखा जाए तो यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज से लिया गया है, तो यह क्वेश्चन आप इसको अच्छे से तरीके से समझें और इसका आप अपने एग्जाम में यूज करें, क्योंकि यह बहुत सभी एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 का मिश्रधन इतना रुपये हो जाएगा? तो ध्यान देना, दो इतना या आपका पी है या आपका इतना हो जाएगा। इसका मतलब कि हम फॉर्मूला लगाएंगे सीधे मिश्रधन का, तो हो जाएगा आपका ए ए, ए पी हो। यह फॉर्मूला आपको जानते हैं मेरे दोस्त, ये हो जाएगा। तो क्या इसका समय पूछ रहा है ना, समय पूछ रहा है, तो इसका हम दर रख देंगे मेरे दोस्त। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका दिया है, आई इसको 2000 से भागा देंगे मेरे दोस्त, तो 0 से 0 कट जाएगा मेरे दोस्त। ये हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा, दीजिए 100 हो जाएगा मेरे दोस्त। ये 11 का आपका स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका वैल्यू डालेंगे तो आपका मेरे दोस्त 1+1/10 आ जाएगा मेरे दोस्त। तो हो जाएगा 10+1 तो इन के मान मेरा आएगा दोस्त 2 आ जाएगा, मतलब कि 2 वर्ष हो जाएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन ईजी था मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्र विधन इतना रुपये हो जाएगा? छमाही कह रहा है, इसका मतलब मेरे दोस्त कह रहा है, छमाही कह रहा है कि कितने दर से कितने समय में, छमाही कह रहा है ना मेरे दोस्त, तो छमाही की बात करते हैं। चलिए तो छमाही हो जाएगा, अगर समय अगर वर्ष एन में दिया हुआ तो 2n लिख लेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा n r / हो जाएगा 100 मेरे दोस्त, 2n हो जाएगा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर इस अमाउंट लिया हुआ इतना, तो मेरे दोस्त इसको लिख देंगे, इसका प्रिंसिपल यहाँ से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त, 800 है तो 10 हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 0 उतरेगा, एगो कट जाएगा मेरे दोस्त, एगो कट जाएगा तो 2 3 हो जाएगा इस मेरे दोस्त। लगभग यह जो आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू पुट कर दे मेरे दोस्त 10, यह आ जाएगा मेरे दोस्त 10+1/10 तो 2n या मेरे दोस्त 11/10 ट्वेन हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यह आपका जो मेरे दोस्त आ जाएगा 21/20 का रेशियो हो जाएगा मेरे दोस्त, हो जाएगा आपका आई हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यह मेरे दोस्त, यह जब मासिक कह रहा था, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 भागा देना पड़ेगा मेरे दोस्त, तीजो जो हो जाएगा आपका, यह जो 2 भागा 5 हो जाएगा, यहाँ पर मेरे दोस्त हो जाएगा आपका 5, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 5 हो जाएगा मेरे दोस्त, 5 हो जाएगा, यहाँ पर जो 5 पट कटाया है मेरे दोस्त, ये 20 हो जाएगा मेरे दोस्त, या 20 तो ये 21 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आगे मेरे दोस्त कंपेयर कर लेंगे मेरे दोस्त, तो हो जाएगा आपका एन के मान 2n हो जाएगा 3, एन का 3 मतलब 1.5 साल हो जाएगा मेरे दोस्त, 1.5 साल हो जाएगा मेरे दोस्त, समझ मेरे दोस्त। अगला बना देंगे दोस्त, कह रहा है कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद दे इतना का वर्तमान मूल्य कितना होगा, इतना का देम वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो मेरे दोस्त यह बताना है, तो देम वर्तमान मूल्य देखते हैं मेरे दोस्त, यह हो जाएगा कि इतना मूल को ब्याज मतलब कि ए के मान पूछ रहे हैं मेरे दोस्त कि क्या होगा वर्तमान, पी के मान ए के मान दिया है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आपको मेरे दोस्त फॉर्मूला पर लिख लेंगे मेरे दोस्त, तो फॉर्मूला लिखा गया मेरे दोस्त, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे मेरे दोस्त, पहले देख लेना मेरे दोस्त कि वार्षिक क्या है, तो वार्षिक है मेरे दोस्त, तो वार्षिक क्योंकि फिर डिवाइड करना पड़ेगा मेरे दोस्त, यहाँ 2 हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको पी हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको यहाँ पर 14,580 हो जाएगा मेरे दोस्त, इसको क्या करेंगे सिंपलीफाई करेंगे मेरे दोस्त, तो 1+2/25 के पावर 2 इंटू पी इक्वल टू 14,580 हो जाएगा मेरे दोस्त। मेरे दोस्त यहाँ बता दे रहे हैं मेरे दोस्त, तो पी इक्वल टू हो जाएगा आपका 27/25
हो जाएगा तो पी इक्वल टू हो जाएगा मेरे दोस्त, पी इक्वल टू हो जाएगा मेरे दोस्त 14,580 गुना हो जाएगा आपका 25 गुना 25 22 27 गुना 27। ये मेरे दोस्त कटेगा, यह कटा लीजिए मेरे दोस्त, ये कटेगा, 3 से कटेगा मेरे दोस्त, 3 से कटेगा 3 चौका 12 3 चौका 12 हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है 24 36 18 मेरे दोस्त, फिर कटेगा 9 से 9 5 45 9 5 45 9 4 36 27 54 2 मेरे हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये 625 मैं 20 दुगुना करेंगे मेरे दोस्त, तो ये आ जाएगा आपका 1250 500 रुपये आ जाएगा मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त बहुत इजी क्वेश्चन था, वाट क्वेश्चन का थोड़ा दिमाग में लगाना है, बस आंसर लेके आना है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्रधन क्रम से इतना इतना है, तो दर प्रतिशत मूलधन ज्ञात कीजिए, दर प्रतिशत मूलधन ज्ञात कीजिए। रोज देखिए यह 3 वर्ष में इतना हुआ है, 3 वर्ष में कितना हुआ है आपको 9,000, ये 2 वर्ष में यह 10,000, 3 वर्ष में हुआ 10,600 इतना हो गया, और 2 वर्ष में मेरे दोस्त हुआ है आपका 9,680। मेरे दोस्त इतना आ जाएगा, ये सोचो उधर 6 हो जाएगा मेरे दोस्त, इधर जाएगा तो ये कट जाएगा 11,900, इतना मेरे दोस्त हो जाएगा, 1 साल में इतना ब्याज इसका मिल जाएगा मेरे दोस्त, तो 2 साल में गुना कर देंगे मेरे दोस्त, तो 2 साल में हो जाएगा 16 6 12 13 18 19 इतना हो जाएगा मेरे दोस्त 2 साल के लिए, तो ये ब्याज होगा मेरे दोस्त, और मेरे को यह मेरे दोस्त ब्याज मिल गया मेरे दोस्त, उसके बाद हमको यह मेरे दोस्त 100 गुना करना पड़ेगा मेरे दोस्त, और समय दिया है मेरे दोस्त 2 वर्ष ई के मान 1 ओवर कितना दिया मेरे दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज, ये 1 वर्ष के लिए मेरे दोस्त निकाल, 1 वर्ष के निकाल ले रहे हैं, इतना हो जाएगा मेरे दोस्त, कटा देंगे तो मेरे दोस्त ये आपको 10 आ जाएगा मेरे दोस्त, ये आपका आ गया आपका, मतलब ये रेट आपको आ गया मेरे दोस्त। अब कह रहे हैं ध्यान देना मेरे दोस्त कि मूलधन इसका मान लें रे 1 से, मूलधन होगा रे 1 से, तो 1 से यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त 1/10, ये 10 हो जाएगा मेरे दोस्त, 10 दिया है ना मेरे दोस्त, 10 निकाले हैं, यहाँ समय दिया है मेरे दोस्त 2 साल के लिए, यह दिया है दोस्त, ये दिया हुआ है, यहाँ से निकालें मेरे दोस्त कट जाएगा 11 10। ये मेरे दोस्त यह क्वेश्चन आपका बन गया मेरे दोस्त 9,800 बोलो 680 रुपये आ जाएगा मेरे दोस्त, ये 1,000 हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 21 मेरे दोस्त कटेगा तो मेरे दोस्त ये आ जाएगा 880 हो जाएगा मेरे दोस्त, इसको आ जाएगा आंसर में दोस्त 8,000 आ जाएगा, तो 8,000 अमाउंट प्रिंसिपल आ गया मेरे दोस्त, रेट आ गया मेरे दोस्त। यह क्वेश्चन बहुत इजी था दोस्त, इसको रेट निकालने के लिए मेरे दोस्त रेट इक्वल टू हो जाएगा आपका ब्याज गुना 100 समय इंटू मिश्रधन होता है मेरे दोस्त, तो यह मेरे दोस्त याद रखना।